जो कि एलिप्स को जस्ट एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है लाइक दिस ठीक है अब दे जो सिंगल पॉइंट पे टच करेगी थोड़ा सा मैं इसको बेहतर तरीके से ड्रॉ करता हूं या अभी भी नहीं चले हूं ठीक है अब ये एलिप्स को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है दिस पॉइंट दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन इसको क्या बोलते हैं टेंजेंट लाइन और अगर ये लाइन एलिप्स को मैक्सिमम कितने पॉइंट पे टच कर सकती है टू पॉइंट्स के ऊपर आप देख लें किसी तरह से भी आप ड्रॉ कर लें ये तीन कंडीशन हो सकती हैं तीन कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं है। यानी ये जो है ये ये एलिप्स एलिप्स को को यूं कह लें कि पॉइंट पे टच कर सकती है किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर सकती है मैक्सिमम टू पॉइंट पे टच कर सकती है अब अगर मैं इसके एक्सिस ड्रॉ कर लू इस एलिप्स के साथ तो दिस इज माई एक्सिस दिस इज माई एक्सिस दिस इज माई एक्स एक्सिस थोड़ा सा दिस इज माई x एक्सिस अब इस केस में दिस इज x एक्सिस दिस इज y एक्सिस अब कंडीशन क्या होगी वो क्या कंडीशन होगी जिसकी बेसिस के ऊपर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि जो लाइन है वो टेंजेंट टू एलिप्स है या टू पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है या किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही अब इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए वी नो कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स और इसकी इक्वेशन क्या होती है x2 a2 y2 b2 y2 b2 1

स्ट्रेट लाइन अब ये क्या होती है लीनियर होती है स्ट्रेट लाइन ये एक लीनियर इक्वेशन होती है जैसे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एम एक्स प्लस उसका एक्स एंड एक्स है ठीक है मतलब x और y पॉइंट होंगे चले जी अब हम चूंकि देखे लाइन जब इन लाइन अब इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कैसे क्या प्रोसीजर हो सकता है

ठीक है सिंस दिस वाई लाइज ऑन सिंस दिस वाई ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम वाई की जो वैल्यू है प्लस सी उसको इंसर्ट करेंगे उसको इंसर्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स के अंदर इक्वेशन ऑफ एलिप्स के अंदर तो हमारे पास क्या कंडीशन बनती है मैं यहाँ पे आपके सामने इसको सॉल्व करूंगा x2 आवर a2 y2 आवर b2 व्हाट इज y y इज mx c तो mx c चले मैं यहाँ पे इसको डिफरेंट कलर में लिख देता हूँ तो आके क्लियर हो जाए। जाएडेड बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बी स्क्र इज इक्वल टू वन ठीक है अब यहाँ पे देखें अब हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर एक्स इसको हम सॉल्व कर लेंगे फॉर एक्स इसको मैं सॉल्व करता हूँ फॉर एक्स के लिए तो डेफिनेटली uh, पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई uh, करना पड़ेगा ठीक है दिस इज एक्स स्क्र एक्स अवर ए प्लस स्क् एक्स स्क् एक्स स्क् प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू एम एक्स सी डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन ठीक है इसी तरह से फर्दर तो दिस हम यूं बात कर सकते हैं कि अब ए स्क्वेयर बी स्क्र एल्सियम आ जाएगा ए स्क्र बी स्क्र एल्सियम मैं यहां पे लिख हूँ हूं दिस इज एल्सियम ए स्क्र बी स्क्र इज माई एल्सियम ठीक है अब ये चूंकि ए स्क्र डिवाइड करेंगे ए स्क्र के साथ तो डेफिनेटली यानी ए स्क्र बीस स्क्र डिवाइड बाई ए स्क्र क्या आंसर आएगा बी स्क्वेयर तो बी स्क्र मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमिटर के साथ जैसे एल्सियम लेते हैं ठीक है तो ये बन जाएगा एक्स स्क् स्क्वेयर एक्स या स्क्स स्क् एक्स चले

नेक्स्ट उद्देश्य हम यू कर लेते हैं जी के चलें बी स्क्र एक्स स्क्र बी स्क्र एक्स प्लस प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्र एक्स एम स्क् एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र सी स्क्र ए स्क्र सी स्क्र और माइनस टू ए स्क्र एम एक्स सी एम एक्ससी डिवाइडेड बाय ए स्क्र बी स्क्र ए स्क्र बी स्क्र इज इक्वल टू वन बाय वन तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सिंपली ए बी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें तो तब भी कैंसल आउट हो जाएगा तो दिस बिकम्स बी स्क्सर प्लस ए स्क्स स्क् उसके बाद माइनस टू ए स्क्वेयर एम सी एक्स एंड प्लस ए स्क्र सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्र सी स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस इज ब्रैकेट इज इक्वल टू

माइनस टू ए स्क्वेयर एम सी ए स्क्र एम सी एक्स एम सी एक्स और इसमें देख लें प्लस ए स्क्र कॉमन ले लें ठीक है तो ये देखें सी स्क्वेयर सॉरी ये ब्रैकेट में लिखूंगा सी स्क्र अब चूंकि ये ए स्क्वेयर इधर आके माइनस ए स्क्र बीस स्क्र हो गया था अब ए स्क्र कॉमन है तो माइनस स्क्वेयर हो जाएगा ठीक है मैं जस्ट बिकॉज ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो रही है इसलिए मैं इसको शॉर्ट करने के लिए सपोज कर लेते हैं ग्लेट से ये जो है इंस्टेड ऑफ ए स्क्र बी स्क्वेयर अब यहां पर माइनस ए स्क्वेयर की फॉर्म में है, तो विच मींस कि जब आप ए स्क्र कॉमन जो आइडिया मिल रहा है वो क्या है कि एक्स जो है वो एक्स की डिग्री क्या आ रही है हमारे पास टू आ रही है विच इज क्वाड्रेटिक इसका मतलब है कि जब हम एक्स को सॉल्व करेंगे तो एक्स के हमें दो आंसर मिलेंगे एक्स के हमें Do once is meaning Up x me is I mean since 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 uh, equation is quadratic, equation is quadratic, 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 so so x will have two values. So x will have two values, will have two values, have two values. अब ये कब आइडिया होगा यानी किस केस में हमें पता चलेगा कि जो जो वो जो फिर वो जो लाइन है ठीक है वो आ, वो एलिप्स को बगैर टच किए पास कर रही है उसको टू पॉइंट पे पास करिए उसको एक पॉइंट पे पास करिए डेफिनेटली ये पता चलेगा जी कि एक्स की जो नहीं जो रूट्स आ रहे हैं हमारी उनकी नेचर क्या है देखिए एक्स की जो हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे डेफिनेटली वो उसके रूट्स कहलाते हैं ठीक है एक्स की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसके रूट्स कहलाते हैं ठीक है अब रूट्स की नेचर पर डिपेंड करता है कि वो एक सिंगल पॉइंट पर टच करेगी लिप्स को टू पॉइंट पर टच करेगी या विदाउट टचिंग पास कर जाएगी ठीक है इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो देखते हैं कि किस बेसिस के ऊपर हम इस इक्वेशन को देखते हुए हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो पॉइंट होंगे विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ के ये जो इक्वेजन होगी आई I मीन mean ये जो लाइन होगी वो सिंगल पॉइंट पर टच करेगी टू पर टच करेगी या विदाउट टचिंग पास करेगी